There is a funky enemy. Teri aankhon ka ye nasha. Yahan kho bhi jaun to main. Kya kasoor hai mera? तो अभी हम पहुंचे थे नाको भाई, मेरा दिल धड़क गया। पहली बार सुनी मैंने ऐसे बोलियों की आवाज। तो यार ये कुछ मोनेस्ट्री का रास्ता है एंड ये देखो कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ बहुत अच्छा गर्मी में उगता है, फिर बचा लेते हो सर्दियों के लिए। ये टमाटर देखो अपनी खेत का सूखा। अच्छा, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो एक फ्रेश नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो जो आज की हमारी सुबह हो रही है ना, वो हो रही है कल्पा से। पहाड़ों को जितना मैं देख रहा हूँ ना, मतलब उतना कम लग रहा है। मन होता देखते रहो एक एंड से दूसरे एंड तक। तो अभी आज का जो हमारा प्लान है ना, वो है यहाँ से काजा। तो काजा काफ़ी दूर है, यहाँ से 200 कुछ किलोमीटर है। तो रोज़ हम 200 कुछ किलोमीटर कर रहे हैं, क्योंकि यार वीडियोस बनाते हुए जाते हैं, आराम से जाते हैं 50-60 की स्पीड में, क्योंकि गाड़ी में भी प्रॉब्लम है। तो वो भी देखना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, तो इसलिए रिस्क तो ले रहे हैं, बट देखते हैं कि कैसा रहता है। और यहाँ पे कोई ठीक करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो अलाइनमेंट का सीन है, तो वो हर कोई नहीं कर पाता है। एंड पहाड़ों पे आपको पता है फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है। तो लेट्स सी, अगर कोई मैकेनिक मिलता तो हम बिल्कुल ठीक करा लेंगे। मैं तो रिम भी देख रहा था, मैं रिम ही बदलवा देता कल, बट रिम भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी कैसा रहता है ये सफ़र। बाकी महादेव अपने साथ है ही। तो आज हम पहुँच जाएंगे काजा। काजा में मोनेस्ट्रीज़ है, रास्ते में ताबो नाको ये सब पढ़ने वाला है, तो बहुत अल्टीमेट मज़ा आने वाला है। तो ये कुछ व्यू हो रहा है यहाँ का सुबह सुबह का। एंड ये जो पेड़ देख रहे हो ना यार, ये बहुत मोटा पेड़ है भाई। ये भैया बता रहे थे कि ये देवता का पेड़ है और 100 साल पुराना है, पाइन ट्री है ये। तो मतलब इसकी शेप देखो ना, ये ऐसा लग रहा है झूला सा है। और भाई बहुत ही मोटा पेड़ है, कि वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा आपको, और इतना मोटा पेड़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। बाकी ये कुछ व्यू है एंड वो वहाँ पे देखो, जूम करके दिखाता हूँ आपको। बाकी यार बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है वहाँ तो। और वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जो यहाँ कल्पा की लोकल मोनेस्ट्री है, तो ये भी काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री आई होप वीडियो में दिख रही होगी। तो यहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं था हम पे ज़्यादा। यह है पोगो और ये है इसका नाम क्या, गद्दी। हेलो, हाय फाय। हेलो, मिलेंगे फिर, ठीक है, दोबारा मिलेंगे। सो यार अभी निकलने का टाइम आ चुका है, और इस सुंदर सी जगह को भाई भाई कहने का टाइम आ चुका है। और भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं आपका नंबर, किसी को कल्पा स्टे करना हो तो भैया के होम स्टे में रुक जाना। बाकी ये पढ़ लो आप, हिमालयन वल्चर, ठीक है। और भाई ये पेड़ देखो, ये यहाँ की निशानी है, इसके बगल में ही है। बाकी फटाफट से निकलते हैं और मिलते हैं आपको रोड्स पे। तो स्पीति के लिए तैयार है हम सब, और ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो यार आज की जो राइड होने वाली है वो लगभग 200-250 किलोमीटर होने वाली है, और रोज़ हम इतना कवर कर रहे हैं ताकि हेक्टिक भी ना लगे और मज़ा भी आता रहे। आ जाओ। अरे भाई क्या व्यू है यार, मतलब कल्पा मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा स्टे ले लें यार, बट हमने लिया नहीं, क्योंकि भाई हमारी जो डेस्टिनेशन है ना वो हमसे काफ़ी दूर है अभी भी। मतलब लगा लो पहले दिन हम लेट निकले, इस वजह से भी बहुत सीन हो गया है। हाँ, नाको जाना है अभी हमको,
नागपुर नाक यार, मतलब ये एप्पल ट्रीज है ना, मतलब बहुत सुंदर है यार, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हिमाचल ना मतलब अलग ही लेवल है यार, ना मैं किसी जगह को कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ से, और ना ही इसको मैं किसी से कम बोल सकता हूँ। मतलब ये देख रहे हो मेरे बगल में एप्पल ट्रीज, और कितने सुंदर है ये, और गाड़ी फंस चुकी है, ये पहाड़ों के रास्ते छोटे होते हैं काफ़ी। सो अभी हम थे रास्ते में, और रास्ते में हमें रोक दिया क्योंकि आज है अष्टमी, और यहाँ पे देखो मंदिर भी मिल गया हमें, तो मतलब देख लो इतने पहाड़ों पे भी मंदिर है, और यहाँ पे अभी हमने प्रसाद खा लिया है। तो अब यार अष्टमी पे घर पे तो नहीं है, तो यहीं पे माथा टेक लेते हैं क्योंकि आगे हमारा सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, तो आशीर्वाद तो वैसे भी ज़रूरी है, और आज अष्टमी है तो फिर जय माता दी। तो चलते हैं अंदर। यार काफ़ी अच्छा लगा मंदिर में जाके, मतलब अलग ही वाइब्स हो गई है, अब मुझे डर भी नहीं लग रहा है टायर का, मेरे ना मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है एकदम माता का आशीर्वाद लेके। और अभी निकलते हैं यहाँ से, हितेश भाई तैयार है, अब हम भी तैयार हैं, और सीधा मिलते हैं आपको रोड्स पे। जिनको जल्दी थी वो चले गए, जो सतर्क है वो भले रहे, मंजिल तक जाना है तो धीरे ही चलो। अरे वाह क्या मस्त लिखी है किसी ने ये लाइन, कि भाई जल्दबाजी मत करो, मंजिल तक जाना है। तो अभी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं नाको, जो आज की अभी इस व्लॉग की मंजिल है, बाकी वहाँ पे अपनी बाइक से। और भाई ये सीन चेक करो यार, नेक्स्ट लेवल सीन हो रखा है, मतलब पूरी रोड खाली खाली, और क्या मस्त रोड्स हो रही है अभी तो। हाँ अभी फटाफट से चलते हैं। कैसे लगा भाई? मजा आ गया? गजब है, कहते हैं ना बल्कि गजब है, बढ़िया है। हर कुछ भाई जी, फिर है भाई के ये बाइक मैंने आज तक नहीं चलाई थी, बस शौक था कि मैं इस बाइक पे चलाऊं। अरे इसके टायर में दिक्कत हो रही, नहीं तो मैं तुम्हें आगे तक भी दे देता। हाँ है ना, लगा ना तुम्हें भी। सो भी रुके थे हम नाको से थोड़ा सा पहले, 26 किलोमीटर रह गए नाको यहाँ से, और अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें चाय और पराठा है, और यहाँ पे प्यारा सा डॉगी है जो इससे हमने आपको मिलवा दी, इसका नाम है सोनिया। तो ऑलरेडी यहाँ पे सोनिया है, यहाँ पे नाश्ता है, और हमारे राइट में चल रही है आर्मी की ड्रिल जो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो बाकी अभी नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। भाई अभी यहाँ पे गोलियाँ चली भयंकर, गूंज गई एकदम आवाज़ें, तोप तोप भी चलाते हैं क्या? तोप चलाएंगे तो पहाड़ी गिर जाए। तो यार फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं नाको विलेज। तो देखो भाई, वेलकम टू नाको विलेज। भाई ये सब चीज़ें ना मतलब औरों के व्लॉग में देखते थे, आज रियलिटी में ना मतलब बता नहीं सकता हूँ क्या अलग ही लेवल की खुशी हो रखी है। बाकी ये देखो मतलब पूरा अलग ही फील आ रही है, मतलब कुछ बोला नहीं जा रहा है। और अभी अंदर चलते हैं, नाको विलेज एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की मोनेस्ट्री होगी तो वो भी आपको दिखाते हैं, और फिर यहाँ से काजा के लिए जाएंगे, वो अगले व्लॉग में आएगा। तो अभी आपको नाको विलेज दिखाते हैं। तो यार अभी हमें नाको में, और यार इतना सुंदर विलेज है ना भाई, क्या ही बताऊं। और ये ना स्पीति के रास्ते में पड़ता है, तो मतलब जो लोग स्पीति आते हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सुंदर लेक है और मोनेस्ट्री भी है। तो यार स्पीति का पार्ट ही कह लो, अगर आप स्पीति आ रहे हो और नाको नहीं आए ना, तो फिर इनकम्प्लीट सा हो जाएगा सीन। तो यार हम तो फाइनली पहुँच चुके हैं नाको लेक, और अब आपको दिखाते हैं ज़रा विद द काउंट ऑफ 3, 2, 1, go! लम्हों में ही है ये यादें, वो जो लम्हे थे फिर जी लूं, जो पल बीते फिर जी लूं, अब तो है
आगे हम हैं चलते लम्हों के धागे से नई नई यादें बुनते वो बातें वो रातें